टू फैमिली, वेलकम बैक टू द सुधीर मोटर कार रिव्यू चैनल। आज अपने पास बहुत दिनों बाद आ गई है फिर से किंग ऑफ एक्सयूवी जो कि है फोर्ड एंडेवर, और ये मॉडिफिकेशन हो रही है साई कार एसेसरीज़ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक्सयूवी को अपने एक रिव्यू दिया जाए, कैसा मॉडिफिकेशन हुआ, किस लेवल का मॉडिफिकेशन और किस कॉस्टिंग में हुआ। हर वीडियो की तरह मैं अपनी वीडियो में कॉस्ट जरूर क्लियर करता हूँ कि ताकि आप एक आइडिया लगा लें। तो फटाफट से दिखाता हूँ फोर्ड एंडेवर का लुक और मॉडिफिकेशन क्या क्या हमने ऐड किया। और हे फ्रेंड्स, आज आ गया था साई कार एसेसरी पे और अपने सामने है किंग ऑफ एक्सयूवी फोर्ड एंडेवर 3.2 वाली है। और सामने से बात करेंगे क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन हुई है गाइस। अब फ्रंट में बात करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा मस्टैंग वाली अपनी ग्रिल जो कि डुअल कलर में है। यहाँ पे वाइट देख सकते हो, यहाँ पे अपने को मस्टैंग मिलेगा जिसका आप देख सकते हो कलर। और नीचे साथ में डाला गाइस फ्लैशर। तो एक बार फ्रंट से पूरी व्यू देखो फोर्ड की, ये है लुक। पहले वाली भी ग्रिल दिखाता हूँ ताकि काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। एक बार पहले वाली ग्रिल दिखाओ सुनो भैया। ये पहले वाली ग्रिल ये ऐसे था, ये लुक था इनका पहले का। तो गाइज ये पहले वाली ग्रिल देख सकते हो, तो कमेंट्स करके बताना कि ये वाली ग्रिल ज़्यादा अच्छी है या ये। इसे एक बार टॉप पे रखना इसको, और अभी काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। तो गाइज ये देख सकते हो ये वाली ग्रिल है, ये डुअल कलर में, ये मैट्रिक्स में, ये आपको चलेगा इंडिकेटर पे। एक बार राइट का इंडिकेटर देना राइट साइड के। और गाइज राइट का इंडिकेटर पे आपको ये कुछ ऐसा देखने वाला है येलो, तो ये मैट्रिक्स में है। और साथ के साथ गाइज जब इंडिकेटर दोगे तो मैं साइड में दिखाना चाहूँगा, साइड वेंट्स भी अपना मैट्रिक्स स्टाइल में है और उसकी कलर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मस्टैंग स्टाइल वाली अभी देख सकते हो गाइज। अभी के कंडीशन अभी वाइट है और आपको इंडिकेटर पे ये मैट्रिक्स स्टाइल में येलो का दिखेगा। तो ये घोड़ा कैसे लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और जो मॉडिफिकेशन हो रहा गाइज वो अपना हो रहा साई कार एसेसरीज पे, बहुत सारे फोर्ड मॉडिफिकेशन हमने किया है और ये नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है जो कि साथ के साथ इस गाइज एलॉय में हम लाइट डाल रहे हैं जो कि एलॉय व्हील्स वाली लाइट है। तो गाइज लो विंड में तो इनका एचआईडी लगा होता है, हाई विंड में भी एलईडी लगा है और फोक लाइट में भी एलईडी लगा है। तो गाइज एचआईडी जो अपना स्टॉक प्रोजेक्टर है उसमें एचआईडी कंपनी वाली है और यहाँ एलईडी ऐड किया है। एलईडी को वाट जानेंगे कौन सी, कितने वाट की एलईडी? ये 90 वाट की एलईडी लगा है। कौन सी कंपनी का आपने लगाया? नाइट आई। नाइट आई क्या गाइज? तो नाइट आई का आपको रिस्पांस पता है। और नीचे भी देखोगे अपने क्लेम में एलईडी ऐड किया है कि ताकि वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और ये देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस, और सामने दिखाऊं इससे कितनी अच्छी ब्राइटनेस आ जाती है हेडलाइट के साथ। तो ये अपनी कंप्लीट सेटअप है फोर्ड एंडेवर में, देख सकते हो फ्रंट से लुक। और ये है अपनी मस्टैंग वाली स्टाइल ग्रिल, साथ में नीचे एलईडी फॉग लैंप में कंपनी वाला ही एचआईडी है और फ्लैशर लाइट गाइज, काफ़ी क्लोज से देखना। तो गाइज चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में दिखाता हूँ कि इंटीरियर में हमने क्या क्या ऐड किया है फोर्ड मस्टैंग की किंग ऑफ एक्सयूवी। और यहाँ पे AK-47 वाला देख सकते हो, ये पहले से स्टिकर है। तो पहले फ्रंट यहाँ से डोर से बात करेंगे गाइज कि डोर में हमने क्या क्या ऐड किया है। तो साइड में बात करोगे गाइज तो साइड वेंट्स डाला है जो कि मस्टैंग स्टाइल वाली है। और अभी के टाइम का देख सकते हो ये वाली ऑप्शन भी आपके पास, ऑल्दो कि आप पेडल लैंप चेंज करा सकते हो नीचे ब्लू वाली जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, अगर नहीं दिखा तो वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो डोर बीडिंग है जो कि क्रोम में हमने ऐड किया है और ये रियर डोर पे भी आपको दिखने वाला है। तो ये डोर बीडिंग ऐड किया हमने और साथ के साथ लोअर विंडो गार्निश जो कि ओरिजिनल क्रोम में है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और ये आपको 6 का पेयर मिलता है जो कि पहला पैनल और सेकंड में देख सकते हो, और उसके साथ साथ ये वाले पैनल। और साथ के साथ गाइज अपना रेन वाइजर ऐड हुआ है। रेन वाइजर की बात करोगे क्वालिटी की तो ये भी क्रोम है और यहाँ ये हटा दोगे तो इसकी क्वालिटी दिख जाएंगे। तो एक बार साइड से व्यू देख सकते हो गाइज अपनी फोर्ड की, और इतनी बड़ी गाड़ी है कि सिंगल फ्रेम में गाड़ी कवर करना बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हो इसलिए इसे बोलते हैं किंग ऑफ एक्सयूवी, और इसका जो कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल है। अभी मार्केट में बंद हो गई लेकिन इसकी दीवानगी कम नहीं है, लोग आज भी इसे सेकंड हैंड लेते हैं और मॉडिफाई कराते हैं। और अपना मैट्रिक्स इंडिकेटर देख सकते हो ये फोर्ड वाली, और ये देख सकते हो ये लोग। चलते इंटीरियर में, इंटीरियर में दिखाते कि इंटीरियर में हमने क्या क्या चेंज किया है। गाइस डाला है वाइट कलर में एंडेवर वेलकम प्लेट, इसका प्लेट आप जो बोलते हो वो है, फुट स्टेप ये कंपनी से लगा हुआ करूँगा। डोर्स में देखोगे अपने को दिखेगा यहाँ पे एम्बिएंट लाइट देख सकते हो पूरी पैनल में। यहाँ से स्टार्ट करूँगा ड्राइवर साइड का डोर जिसमें आपको ये ऐसे दिखेगा, और इसका भी कलर भी चेंज करके दिखाने वाला हूँ, आप इसे चेंज कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो डैशबोर्ड बिल्कुल लेज़र वाली है, काफ़ी आपको डार्क दिखेंगे, कोई गैप देखने वाला नहीं है। और इंटीरियर का देख सकते हो डैशबोर्ड का, और ये देख सकते हो आपके
वो पैसेंजर साइड में ड्राइवर का, मैं काफ़ी करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट के लगाने के बाद कितनी अच्छी लुक आई। एक मैं रियर से दिखाता हूँ आपको फ्रंट का व्यू लगने वाली है एंडीवर, तो ये देख सकते हो गाइस। अब एक बार लुक आप देख सकते हो एम्बियंट लाइट की, ये है अपनी डोर की और ये है जी अपना फ्रंट का लुक। तो एक बार आपने कमेंट्स करके बताना है कि फोर्ड काफ़ी प्रीमियम लग रही है कि नहीं। अब चलते हैं गाइज रियर में, रियर में हमने क्या क्या चेंज किया, क्या क्या मॉडिफाई किया, कौन सी एसेसरीज लगाई है गाइज, तो एक बार एक लुक दिखाता हूँ आपको। तो गाइज जो हमने लाइट चेंज किया है स्मोकी लाइट, और सुन भी है पहले वाली लाइट कैसी है एक बार। पहले वाली लाइट इनका ऐसे था, ये पहले की लाइट है और ये अभी का, ये अभी हमने लगाया LED लाइट, LED स्मोकी ब्लैक में स्मोक। तो गाइज ये देख सकते हैं स्मोकी ब्लैक में और पहले वाली और पिलर का और पहले का ये देखिए, ये हमने अभी लगाया है और पिलर पहले पिलर ऐसे ब्लैक लगा होता है, ऐसे लगा होता है ब्लैक ब्लैक में, ये हमने निकाला और ये लगाया है। तो गाइज ये वाली लाइट देख सकते हो और इस शॉप पे हमने काफ़ी सारे एंडेवर मॉडिफाई किया है और उनमें से एक है ये हमने रिफ्लेक्ट है, ये पहले का रिफ्लेक्शन ऐसे होता है गाइज, ये देख सकते हो ये डमी सा आपको दिखेगा एकदम ब्रेक लाइट, एक बार लाइट जलाओ और एक बार अभी का कंडीशन दिखाते हैं एक बार कैसा लुक निकल के आ रही है, तो काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे कि क्या लुक है। गाइज ये है अपना रियर का लुक, एक बार रियर का व्यूज देख सकते हो एंडेवर का, ये देख सकते हो। और रियर में यहाँ देखोगे अपने डिगी पे एंडेवर स्टाइल वाली डिगी क्रोम और ये डुअल कलर में गाइज, ये देख सकते हो रेड अभी का कंडीशन रेड और ये वाइट, ये डुअल कलर में मिलेगा और साथ के साथ सिंगल कलर का भी ऑप्शन आता है। और इसका कलर दिखाऊं मैं, पियानो ब्लैक के अंदर में आता है, इस पर आपको पियानो ब्लैक का मिलेगा और लाइट जलने वाली है वाइट एंड रेड, ये वाली कंडीशन आप देख सकते हो। एक बार साइड से मैं लुक दिखाऊं फ्रेंड्स, यहां मैं बताना चाहूँगा जो हमने डिगी क्रोम को रिप्लेस किया लाइट से, तो ये ब्रेक पे आपको रेड लाइट जलेंगी इसकी जो डिगी क्रोम वाले हमने हटाए, और इनिशियल आपको वाइट सा दिखेगा ये वाली लाइन जो पट्टी देख रहे हो, और ये रेड सा काफ़ी खूबसूरत सा लगता है आपके टेल लाइट के साथ जब भी आप ब्रेक प्रेस करते हो। और ये टेल लाइट का इंडिकेटर देख सकते हो, इंडिकेटर वाली लाइट कुछ आपको ऐसी दिखने वाली है और साथ के साथ इसका रिफ्लेक्टर भी वर्क करेगा। तो ये ओवरऑल हमने रियर में जो एक्सटीरियर में मॉडिफिकेशन किया था वो है, यहाँ AK47 का आप स्टिकर देख सकते हो, एक मॉन्स्टर वाली लुक कहीं ना कहीं इस फोर्ड एंडेवर को देती है और काफ़ी बढ़िया बल्कि और हंक वाली लुक है। कंप्लीट लुक देख सकते हो एंडेवर की रियर से, और यहाँ है अपनी पिलर लाइट। तो आपने कमेंट्स करके बताना है कि एंडेवर कैसी लग रही है, और फाइनल एक बार साइड से व्यूज देख सकते हो गाइस एंडेवर के। और गाइस अब जिन भैया के एंडेवर है उनसे मिलवाते हैं कि कैसा इनका फीडबैक है और क्या है एंडेवर। तो हमारे साथ है जतिन भैया, जतिन भैया स्वागत है अपने चैनल पे, और सबसे पहले तो बधाई हो, आपने एंडेवर ही क्यों सेलेक्ट किया, इस रेंज में लोग फॉर्चूनर भी लेते हैं लेकिन एंडेवर ही क्यों? भैया फॉर्चूनर से बहुत अच्छी गाड़ी लगती है चलाने में भी और लुक वाइज में हर चीज़ में बढ़िया, इसलिए मैंने एंडेवर लिया। और गाइस मैं बताना चाहूँगा भैया का बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चॉइस है, मॉन्स्टर स्टाइल का एंडेवर बना रखा है, फिल्म भी चढ़ाया हुआ है और आपको दिखाया था मैंने लोगों। तो ओवरऑल बात करेंगे जतिन भाई से, कैसा लगा मॉडिफिकेशन? बहुत बढ़िया लगा और रीजनेबल लगा एकदम, और बाद में भैया ने गिफ्ट भी दिया, मतलब बहुत बढ़िया आदत लगी, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दिया, बहुत बढ़िया काम। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करूँ आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग दोगे? 10 on 10 है। तो गाइस देख सकते हो एक बार मॉडिफिकेशन, और जतिन भाई के एंडेवर कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताना है। और मैंने फाइनल शॉट दिखा दिया, अब टोटल कॉस्टिंग की बात करेंगे जिन्होंने मॉडिफाई किया एंडेवर, जो किंग ऑफ एक्सयूवी कहते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन की कॉस्ट क्या आई और कहाँ मॉडिफिकेशन हुई है, तो वो हुई है साई कार एसेसरी पे, और साई कार एसेसरी से हमारे साथ सोन भैया। सोन भैया क्या कॉस्टिंग आई है इसकी मॉडिफिकेशन की? इसका है सारे वायरिंग और सारे सामान का 70,000 रुपये में। तो गाइज मॉडिफिकेशन का कॉस्ट बता दिया, और एक्सपीरियंस जतिन भाई से कैसा रहा इनका? बहुत बढ़िया रहा भैया की आदत बहुत बढ़िया, मैं तो बोलूँगा एक बार विजिट करें भैया के पास आए। हाँ गिफ्ट भी देते हूँ, आदत मतलब नेचर वाइज बहुत बढ़िया, मतलब फैमिली जैसा फील है, मान सम्मान करते हैं शॉप पे, और मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइज आप अपने जो नए जो व्यूवर्स होंगे एंडेवर लवर्स होंगे उनको आप रिकमेंड करोगे इस शॉप को? मैं तो बोलूँगा भैया के पास ही आए, जिसने भी है मतलब आए एक बार इनकी आदत देखे, जैसे बहुत से होते हैं वो बोलते हैं कि पैसे वैसे कम नहीं होने, जैसे भैया ने 75,000 रुपये बनाए, मैंने 70 बोला, भैया ने 72 बोला, तो मान गए भैया। गाइस ऑन कैमरा आपको सामने रेट क्लियर किया, और फाइनल आपको बताना है कि अपनी फोर्ड एंडेवर कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख गया होगा।